चना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। सुबह भीगे हुए अंकुरित चना खाने से शरीर को आयरन, कैल्शियम और कई अन्य जरूरी तत्वों के साथ साथ विटामिन्स भी मिलते हैं। सेहत के लिहाज से देखें तो भुना चना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सबसे खास बात इसमें ये होती है कि इसमें लो कैलोरी होती है, जिसके कारण ये एक हेल्दी स्नैक्स होता है। भुने चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर होता है। रोजाना भुने चने खाने से शरीर को कई तरह के दोस्तों लाभ मिलते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान है या फिर आपका बड़ा हुआ पेट अंदर करना चाहते हैं, तो भुना चना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। भुने हुए चने में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि इसमें ढेर सारे पौष्टिक तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डाइट्री फाइबर मौजूद होते हैं। 100 ग्राम भुने चने में केवल 164 कैलोरी होती है। इसलिए अगर आप स्नैक्स टाइम में भुना हुआ चना खाते हैं, तो ये आपका वजन तेजी से कम करता है। वजन घटाने के लिए चने का प्रयोग दोस्तों बहुत आसान है। काले चने को 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें और फिर इसे सूख जाने के बाद रेत और नमक में तेज आंच पर भूनें। आप चाहें तो बाजार से भुने हुए चने खरीद भी सकते हैं। सुबह या शाम के नाश्ते के समय रोज इन चनों को आप खाएं। इसके अलावा चने के साथ आप चिवड़ा भूनकर भी मिला सकते हैं। चिवड़े में भी दोस्तों कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। आप चाहें तो भुने चने में सलाद जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, नींबू का रस आदि मिलाकर भी खा सकते हैं। दोस्तों चने में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपको एनीमिया है तो रोजाना सुबह भुना चना खाना शुरू कर दें। ध्यान दें कि बिना छिलके वाला चना खाने के लाभ उतने नहीं है जितने कि छिलके वाला चना खाने के होते हैं। इसलिए एनीमिया के मरीजों के लिए भुना हुआ चना खाना बहुत लाभकारी होता है। हमें एक्टिव रहने के लिए एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। ऐसे में काला चना बड़े काम का होता है। चना खाने से ऊर्जा मिलती है। अगर आप चने को गुड़ के साथ लेते हैं, तो ये आपको अधिक फायदा देता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी चने का सेवन बहुत लाभकारी होता है। काला चना फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए ये पाचन क्रिया को सुधारता है। भुने चने को खाने से कब्ज की समस्या में दोस्तों लाभ होता है। इससे पेट भी जल्दी भरता है और ये स्वादिष्ट भी खूब होता है। भुना हुआ चना खाने से पाचन की समस्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें फाइबर खूब होता है। तो दोस्तों ये था, अगर आप चने को भूनकर खाते हैं या फिर भुना चना खाते हैं, तो आपके शरीर में किस प्रकार गुणकारी होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।